हेलो एवरीबॉडी, स्वागत करती हूँ आप सभी का। गाइस, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ। उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और उनका अगला कदम क्या होगा आपके लिए। साथ में आपकी फीलिंग्स भी चेक करूँगी। सो गाइस, ये रीडिंग आप सबके लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग बुक करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में। चैरियट कैंसर एनर्जी, यहाँ पर है एम्परर। ओके, सो आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि इनको एक्शन लेना है, ठीक है। सो ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं आपके रिश्ते को लेकर, भले आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, कास्ट रिलीजन अलग है, ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं। इनको विक्ट्री चाहिए, इन्होंने आपके साथ कुछ ड्रीम्स देखा है, आपको फ्यूचर में देखा है और उसके लिए ये पर्सन बिल्कुल एक्शन लेने के लिए ये पर्सन मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं। इनका साइन कैंसर हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पैसिस हो सकते हैं या तो एडिस हो सकते हैं ये पर्सन। मुझे ना इस पर्सन की तरफ से इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है, इनको फियर है कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट करोगे, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी आपको रिजेक्ट किया है, आपको हर्ट पहुंचाया है किसी और की वजह से, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से, अपनी मदर की वजह से, फैमिली की वजह से या कोई और पर्सन की वजह से, ठीक है। तो ये पर्सन इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं बट ये पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है। इनको डिले इसलिए हो रही थी क्योंकि इनका ये एनर्जी था कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट करोगे, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक और चांस दो, इनको एक और मौका दो, ये अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। बहुत सारे लोगों के लिए आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर सकते हो। रिजेक्ट कर सकते हो कहने का मतलब ये है कि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को इनकी तरफ से मैसेज या कॉल रिसीव होगी या तो ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं। और जिनको कमिटमेंट मिलेगी, जिनके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, मैरिज का प्रपोजल देंगे तो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको वो नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो, ठीक है, फैमिली फ्यूचर, तो आप इस पर्सन को रिजेक्ट करोगे। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, जो आप चाहते हो वो नहीं दे पा रहे हैं, उसका मतलब ये हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, या तो इनके ना इनका सिचुएशन ऐसा है कि ये पर्सन आपको राइट नाउ वो नहीं दे सकते जो आप चाहते हो, क्योंकि मदर इशू हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, जहाँ पर इनकी फैमिली नहीं मान रही है, या तो आप मैरिड हो या तो ये पर्सन मैरिड है। और अगर ऐसा नहीं है, इनके लाइफ में कोई और नहीं है, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट जल्दी ही देने वाले हैं, आपको प्रपोज करने वाले हैं, या तो इन्होंने आपको ऑलरेडी किया है, ऐसा बात किया है आपसे कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, तो ये पर्सन बिल्कुल रेडी हैं एक्शन के लिए, आपके फैमिली में बात करने के लिए, आपकी फैमिली से मिलने के लिए। ये पर्सन मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं एक्शन, ये पर्सन मुझे एक्शन एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप दोनों के बीच कोई और पर्सन नहीं है और अगर ये पर्सन आपके लिए राइट है, ठीक है, तो ये पर्सन जल्दी ही एक्शन लेंगे आपके लिए। और अगर आप दोनों के बीच फैमिली इशू था, ठीक है, तो वो भी सॉल्व होगी, फैमिली भी मान जाएगी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, फैमिली भी मान जाएगी, चाहे आपकी तरफ से फैमिली इशू था या तो इनके तरफ से, फैमिली मान जाएगी, आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, आप इनका वेट कर रहे हो कमिटमेंट का, प्रपोजल का, वो आपको मिलेगा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके बिना खुश हैं, हैप्पी हैं, इनकी लाइफ में कोई और आ गया है,
तो मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनका कैरियर दिखाई दे रहा है। तो यही कहना चाहूँगी आपसे, अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी कोई और पर्सन नहीं है तो जल्दी इनकी तरफ से आपको प्रपोजल मिलेगा, ठीक है। आप दोनों की यूनियन होगी, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, या मैरिज को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है और इनकी लाइफ में कोई और नहीं है आपको लेकर, ये पर्सन आपके लिए राइट है, तो जल्दी आप दोनों का यूनियन होगा। और अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है फिर भी ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे जल्द ही, ठीक है। भले ये पर्सन अभी आपको ईगो दिखा रहे हैं या आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, या तो आपको ऐसा लगता है। नाइन ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पर आया है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। देखिए कुछ लोग ना मुझे फैमिली इशू दिखाई दे रहा है जहाँ पर इनकी मदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, या तो इनकी वाइफ या इनकी लाइफ में जो फीमेल एनर्जी है वो, ठीक है, जिसके वजह से ये पर्सन मुझे रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए इनको पता भी है कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, और अगर इस पर्सन ने कभी अपनी बातों से अपने बिहेवियर से आपको हर्ट पहुँचाया है, आपको तकलीफ़ें दी है, तो उसका रिग्रेट है ये इनको, ठीक है। ये आपसे लव करते हैं, आप इनसे लव करते हैं, इनको पता है कि आपका प्यार इनके लिए सच्चा है, आप कितने ज़्यादा प्योर हो, ठीक है। इनको पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो और उस चीज़ का हर्ट है इस पर्सन को, ठीक है, कि आप इनका वेट कर रहे हो। ये पर्सन भी आपके साथ फ्यूचर ही देखते हैं, बट हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही है, तो फैमिली मान जाएगी। और अगर फैमिली नहीं मानती तो ये पर्सन खुद ही एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। आपके सोलमेट आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये टेन ऑफ पेंटिकल्स देख सकते हैं, यहाँ पर आया है एट ऑफ स्वर्ड्स। इनका सिचुएशन तो ऐसा है कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन में है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल इनका सिचुएशन है। मजिस्ट्रियन की एनर्जी में आना चाहते हैं और आएंगे, इस एनर्जी से जल्द ही निकलेंगे, ठीक है, जहाँ पर ये निगेटिविटी से घिरे हुए हैं, इनसिक्योरिटी से घिरे हुए हैं। तो ये पर्सन जल्दी इस एनर्जी से निकलने वाले हैं, और यहाँ पर आप दोनों का मुझे यूनियन रिकन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैरिज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच मैरिज को लेकर इशू है तो, और अगर आप दोनों हस्बैंड और वाइफ हो तो जल्दी ही यूनियन होंगे। ये शॉप कप्स देख सकते हैं, शुरुआत ये पर्सन ही कर रहे हैं, एक नई शुरुआत होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आप दोनों का किस्मत साथ है, आप होप मत खोइए, ठीक है, आप होप मत खोइए। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो, तो कांटेक्ट में जल्दी ही आओगे, डेस्टिनी आप दोनों को साथ में लाएगी, एक और मौका देगी जहाँ पर आप दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हो। तो अगर आपको इस पर्सन का वेट है, आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, आप इनके साथ फ्यूचर देखते हो, तो आपको मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये पर्सन आपके लिए राइट हैं तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेंगे, बहुत ही जल्दी इनकी तरफ से आपको कॉल में मैसेज रिसीव हो सकता है। आप दोनों के बीच जो टफ सिचुएशन है उसका एंड बहुत ही जल्दी होने वाला है और एक न्यू बिगनिंग होगी। पेज ऑफ कप्स, मैसेज या कॉल मिलेगा आपको इनकी तरफ से बहुत ही जल्दी, ठीक है। और ये पर्सन का फोकस काफ़ी ज़्यादा इनके कैरियर पर है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, आपको भी अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। सो गाइस, ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, सेफ रहें, बाय।